2022 में ना स्पाइडरमैन के हाई ग्राफिक गेम खेलने के लिए PS5 की जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्मार्टफोन के लिए आज मैं PS5 जैसे स्पाइडरमैन के हाई ग्राफिक गेम लेकर आया हूँ। वेल गेमर्स, लोगों में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, बिकॉज यार आज मैं स्पाइडरमैन के ऐसे गेम लेकर आया हूँ जिनको यार इंडिविजुअल गेमिंग डेवलपर्स ने घंटों की मेहनत करके डेवलप किया है, एंड एज अ फैन मेड गेम यार ये बहुत ही अच्छे है। बोल दूं कि ग्राफिक्स क्वालिटी किसी PS5 गेम से कम नहीं है, बट फैन मेड गेम है तो इसलिए इनको ओरिजिनल गेम से कम्पेयर करना सही नहीं होगा, लेकिन हम तो करेंगे। ऑलराइट गाइस, आज के गेम्स को भी खेलने में तुमको मजा बिल्कुल आएगा, देन स्टार्ट करते हैं। बट यू नो कि मैं टॉप एंड्रॉइड गेम्स की वीडियो भी बनाता हूँ, तो उनको भी आप लोग जरूर चेकआउट किया करो, क्योंकि सिर्फ अच्छे गेम्स में तुमको बताता हूँ जिनको डेफिनेटली खेलने में मजा आता है। ऑलराइट, पहले गेम को अगर PS5 वाले गेम से कंपेयर करें तो डेवलपर को 100 में से 80 नंबर, बिकॉज यार एक अच्छा ओपन वर्ल्ड मिल जाता है, एंड जो बिल्डिंग्स हैं उनकी टेक्सचर क्वालिटी में स्मॉल डिटेलिंग तो नहीं है, बट रियल बिल्डिंग जैसी तो लगती है। वेल गाइस, आर यूजर गेम्स ने इसको डेवलप किया और उनको अप्रिशिएट करना बिल्कुल बनता है, बिकॉज लो एंड डिवाइस के लिए भी कंपेटेबल है। अब ये जो लैग कर रहा है गेम, ऑनेस्टली गेम स्मूथ चल रहा है, प्रॉब्लम ये है जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो रिकॉर्डिंग क्लिप में लैग करता है, बिकॉज 30 FPS ही मेरा फोन रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। होल्ड ऑन, इधर मैं जो कार के ऊपर बैठ चुका हूं और मुझे काफी मजा आ रहा है, और तो मैं चाहूं तो अपने स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम भी चेंज कर सकता हूं। वेल, ये भी काफी अच्छा फीचर है। एंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस गेम इज स्पाइडर वेब स्विंग, काफी अच्छा एनिमेशन है, एंड कंट्रोल करना भी बड़ा ही आसान है। ओके देन, ये सब कुछ हमारे लिस्ट के अगले फैनमेड गेम में भी है, जिसको डेवलप किया गेम ऑन बजट ने, जिनके आपने GTA 5 फैनमेड गेम खेले होंगे। ऑलराइट, टू अ लार्ज एक्सटेंट मींस काफी हद तक ये वाला गेम पिछले गेम जैसा ही है, काफी सिमिलर है, ओपन वर्ल्ड है, टेक्सचर क्वालिटी भी काफी अच्छी है, बट आई थिंक लो एंड डिवाइस के लिए कंपेटेबल नहीं है। नो, बिकॉज अब तक मैंने जो गेम प्ले दिखाया है, ये जो गेम ऑन बजट ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जो मैंने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड किया वो काफी लैगी है, एंड एक्चुअली मैं गेम भी डैक कर रहा था, तो मेरे हिसाब से अभी गेम को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। बाय द वे, गेम में स्नोफॉल का सीजन दिखाया हुआ है, ये काफी अच्छी बात है, पिछले गेम से अलग है, और इधर तुमको कार्स भी देखने को मिल जाएगी, और तुमको ड्राइव नहीं कर सकते हो क्योंकि स्पाइडरमैन गेम है, ना कि GTA 5। वेल यार, अगले गेम के डेवलपर ने ग्राफिक्स क्वालिटी को ज्यादा ही सीरियस ले लिया, मेरे फोन की तो वाट लग गई, बिकॉज यार ग्राफिक्स क्वालिटी को ज्यादा ही हाई है, मेरे फोन इतना सपोर्ट नहीं करता है। फिर मैंने जब शैडो एंड पोस्ट प्रोसेसिंग डिसेबल करी तो मेरे फोन में जान आई। ऑलराइट, ये जो गेम प्ले आप लोग देख रहे हो, ये बिल्कुल लो सेटिंग मैंने करी हुई है, सब कुछ मैक्सिमम करने पे कुछ ऐसा दिखता है गेम, तो काफी फर्क है, बट लैग भी उतना ही करेगा। ऑलराइट यार, GKD गेमिंग स्टूडियो ने भी स्पाइडरमैन का अच्छा फैन मेड गेम डेवलप किया है, तो ट्राई करना तो बनता है। होल्ड ऑन गेमर्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आगे भी मैं स्पाइडरमैन के एंड्रॉइड गेम्स के ऊपर वीडियो अपलोड करने वाला हूं, उनको भी चेकआउट कर सकते हो, ऑनेस्टली सिर्फ बेस्ट गेम ही बताऊंगा। यू नो व्हाट गाइस, गेम ऑन बजट एक प्रोजेक्ट के ऊपर और काम कर रहे हैं, एंड उसका नाम रखा है स्पाइडरमैन कॉम्बैक चैलेंज। वेल माय फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में हम लोग एनिमी के साथ फाइटिंग कर सकते हैं, बट अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो वर्जन 1.0 में ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही मिनट का गेम प्ले है। ऑलराइट, इस फैन मेड गेम का भी आप मजा उठा सकते हो, लो एंड डिवाइस के लिए भी कंपेटेबल है। ऑल्दो गेम में मैंने एक बग फेस किया है, अटैक बटन काम नहीं करता है, उसकी जगह जिससे तुम बैक आते हो ना अटैक करने के लिए, उसको दबाना। ऑलराइट, सबसे अच्छा गेम मैंने आखिरी के लिए बचाया हुआ था। वेल गाइस, दिस गेम इज लुकिंग फैबुलस, बट अभी एंड्रॉइड के लिए डेवलप हो रहा है। आर यूजर्स गेम्स ने अपने सेकंड चैनल स्पाइडर फ्यूजर पे गेम प्ले अपलोड किया, और टाइटल है स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल एंड्रॉइड, तो डेफिनेटली एंड्रॉइड के लिए डेवलप हो रहा है, और करंट उन्होंने टाइम भी मेंशन किया कि 2022 तक गेम की एपीके रेडी हो जाएगी। वेल गाइस, अपने पुराने फैन मेड गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे, ग्राफिक्स क्वालिटी काफी बेटर लग रही है, और इस बार तो मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक भी होने वाला है। एंड कमाल की बात तो ये है ना कि एनिमेशन कितना इंप्रूव कर दिया, जब हम लोग स्विंग करेंगे ना तो भाई अलग अलग करतब मारेगा हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। बाकी पुराने वजह से बड़ा ओपन वर्ल्ड तो होना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, तभी मजा आएगा। फाइनली गाइस, आखिरी में यही बोलना चाहूंगा कि सभी डेवलपर अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, अप्रिशिएट करना बिल्कुल बनता है। फॉर दैट रीजन मैंने हर डेवलपर यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार जरूर चेकआउट करना। ऑलराइट, फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो फिर से बोल रहा हूँ प्लीज लाइक कर दो, और चाहो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। वेल, चलो फिर अब मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।